हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टोटो फाइंड हिज वे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप इससे पहले वाले लेसन्स की ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दीप लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर इन दिल्ली। दीप लीव्ड यानी रहता था विद साथ में हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ में एंड और ग्रैंडफादर यानी दादाजी के साथ में इन दिल्ली यानी दिल्ली में। दीप दिल्ली में अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। एवरी इवनिंग ही प्लेड विद हिज बिलव्ड पेट डॉग टोटो इन द पार्क। एवरी इवनिंग यानी हर शाम ही वह प्लेड खेलता था विद साथ में हिज अपने बिलव्ड होता है प्यारे पेट डॉग यानी पालतू कुत्ते टोटो के साथ में इन द पार्क यानी पार्क में। हर शाम वह अपने प्यारे पालतू कुत्ते टोटो के साथ पार्क में खेलता था। आफ्टर अ व्हाइल कुछ समय बाद मैनी पीपल स्टॉप्ड प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड फ्लू काइट्स। मैनी पीपल बहुत से लोग जो है स्टॉप रोक देते हैं प्लेइंग खेलना स्पोर्ट्स यानी गेम खेल। बहुत से लोग जो है वो पार्क में खेलना बंद कर देते हैं एंड फ्लू काइट्स और फ्लू होता उड़ाना काइट्स यानी पतंग और पतंग उड़ाते हैं। दीप ऑल्सो स्टॉप्ड गोइंग टू द पार्क विद टोटो। दीप ऑल्सो स्टॉप्ड यानी दीप भी स्टॉप यानी रोक देता है गोइंग जाना टू द पार्क पार्क में विद टोटो टोटो के साथ में। दीप जो है वो भी टोटो के साथ में पार्क में जाना बंद कर देता है। इंस्टीड इसकी बजाय ही स्टार्टेड फ्लाइंग हिज काइट ऑन द रूफ विद हिज फ्रेंड्स। ही स्टार्टेड यानी वह शुरू कर देता है फ्लाइंग उड़ाना हिज काइट उसकी पतंग को ऑन द रूफ छत पर विद साथ में हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ में वह छत पर पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। दीप लव टू फ्लाई अ गोल्डन काइट। दीप लव यानी प्यार करता था पसंद करता था टू फ्लाई उड़ाना अ गोल्डन एक सुनहरी काइट यानी पतंग। दीप को जो है एक सुनहरी पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। मैनी पीपल रिकोगनाइज दीप्स काइट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कलर। मैनी पीपल यानी बहुत से लोग जो है रिकोगनाइज पहचानते थे दीप्स काइट यानी दीप की पतंग को बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स यूनिक कलर उसके अनोखे रंग की वजह से सभी लोग उसकी पतंग को पहचानते थे। डेज पास्ड दिन बीतते गए टोटो वॉज बोर्ड। टोटो जो था वो उदास होता गया। ही फेल्ट नेगलेक्टेड। ही फेल्ट यानी वह महसूस करता था नेगलेक्टेड यानी नज़रअंदाज करना। वन डे एक दिन व्हेन दीप्स मदर वेंट शॉपिंग इन द मॉर्निंग। व्हेन यानी जब दीप्स मदर यानी दीप की माँ वेंट जाती है शॉपिंग यानी शॉपिंग के लिए इन द मॉर्निंग सुबह में। एक दिन जब दीप की माँ शॉपिंग के लिए मॉर्निंग में जाती है शी फॉरगॉट टू लॉक द मेन गेट। शी यानी वह फोर गेट भूल जाती है टू लॉक बंद करना द मेन गेट सामने का दरवाज़ा। वह मेन गेट बंद करना भूल जाती है। टोटो सा द गेट ओपन। टोटो सा यानी देखता है द गेट ओपन कि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। ही स्लिप्ड एंड रन आउट। वह वहाँ से भाग जाता है। टोटो यूज टू गो टू द पार्क विद दीप। टोटो यूज यानी जाया करता था टू गो जाना टू द पार्क पार्क में विद दीप यानी दीप के साथ में। टोटो जो था वो दीप के साथ में पार्क जाया करता था। ही डिडंट नो द वे टू द पार्क हिमसेल्फ। ही यानी वह डिडंट नो नहीं जानता था द वे रास्ता टू द पार्क जो पार्क की तरफ जाता था हिमसेल्फ यानी खुद से। वह नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता पार्क की तरफ जाता है। ही सा दीप्स फ्रेंड श्याम गोइंग टूवर्ड्स द पार्क एंड फॉलोड हिम। ही सा वह देखता है यानी उसने देखा दीप्स फ्रेंड श्याम दीप के दोस्त श्याम को गोइंग जो कि जा रहा था टूवर्ड्स यानी तरफ द पार्क पार्क की तरफ एंड और फॉलोड हिम उसका पीछा करता है। कि टोटो ने क्या देखा कि दीप का फ्रेंड श्याम पार्क की तरफ जा रहा है और वो उसका पीछा करता है। टोटो वॉज वेरी एक्साइटेड। टोटो जो था वो यानी था वेरी एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित था वह। ही रन थ्रू द बुशेज। ही वह रन भागता है थ्रू द बुशेज यानी वह झाड़ियों में से होकर भागता है। ही वॉज ग्लैड वह बहुत खुश था। सून जल्दी ही इट ग्रू डार्क। इट ग्रू यानी यह छा गया डार्क यानी अंधेरा जल्दी ही अंधेरा छा गया। डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई। डार्क यानी काले क्लाउड्स यानी बादलों ने कवर यानी ढक लिया द स्काई आसमान को। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। एवरीवन इन द पार्क रश्ड होम। एवरीवन यानी हर कोई इन द पार्क जो पार्क में था रश्ड भाग जाता है। होम यानी घर। हर कोई जो पार्क में था वो घर की तरफ भाग जाते हैं। बट लेकिन टोटो वॉज लॉस्ट। टोटो जो है वो लॉस्ट खो जाते हैं। ही लुक लेफ्ट एंड ही लुक राइट। ही लुक वह देखता है लेफ्ट यानी बाई तरफ एंड ही लुक और फिर वो देखता है राइट यानी दाई तरफ। पहले वो बाई तरफ देखता है फिर वो दाई तरफ देखता है। बट लेकिन ही डिडंट नो। ही डिडंट नो लेकिन वह नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? विच वे टू गो। विच यानी कौन से वे यादव रास्ता टू गो जाना है।
कि कौन से रास्ते को जाना है। ही बिगिन टू पैनिक एंड फेल्ट अफ्रेड। ही यानी वह बिगिन शुरू कर देता टू पैनिक, पैनिक करना, एंड और फेल्ट महसूस करता, अफ्रेड यानी डरा हुआ, और वह बहुत डरा हुआ महसूस करता है। इट स्टार्टेड टू रेन। स्टार्टेड यानी शुरू हो जाती है, रेन यानी बारिश, बारिश होना शुरू हो जाती है। दीप थॉट ऑफ प्लेइंग विद टोटो। दीप जो है थॉट यानी सोचता है, और प्लेइंग खेलने की, विद साथ में टोटो यानी टोटो के साथ में वह खेलने की सोचता है। ही सर्च्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड। ही वह सर्च खोजता है फॉर हिम उसे, एवरीवेयर यानी हर जगह, वह उसे हर जगह खोजता है, बट लेकिन कुडंट फाइंड लेकिन उसे ढूंढ नहीं सकता, ढूंढ नहीं पाता। द होल फैमिली वंडर्ड वेयर टोटो वॉज। द होल फैमिली यानी पूरा जो परिवार था, वंडर यानी आश्चर्यचकित था, वेयर यानी कहाँ टोटो वॉज, कि टोटो कहाँ चला गया, टोटो कहाँ था। एज सून एज द रेन स्टॉप्ड। एज सून एज यानी जैसे ही, द रेन जो बारिश थी स्टॉप्ड रुक गई, जैसे ही बारिश रुकी, दीप एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स वेंट आउट इन सर्च ऑफ टोटो। दीप एंड और द अदर फैमिली मेम्बर्स दूसरे परिवार के जो सदस्य थे, वेंट आउट बाहर जाते हैं इन सर्च ऑफ टोटो, टोटो की खोज में। दे वेंट टू द पार्क, वे पार्क की तरफ जाते हैं, मार्केट, मार्केट में, बट लेकिन वर अनेबल यानी असमर्थ थे टू फाइंड, खोजने में टोटो को। दीप वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड सैड। दीप वो जिन्हें था वेरी डिसअपॉइंटेड यानी बहुत ही ज़्यादा निराश एंड सैड और उदास। द फैमिली मेम्बर्स वर टू हार्ट ब्रोकन एंड टेंस्ड। द फैमिली मेम्बर्स जो परिवार के सदस्य वर यानी थे, टू हार्ट ब्रोकन यानी वे भी बहुत दुखी थे, एंड टेंस्ड और बहुत ही चिंता में थे। दीप्स ग्रैंडफादर सैड। दीप के जो दादाजी हैं वो कहते हैं, आई हैव एन आइडिया यानी मेरे पास एक आइडिया है। एवरीवन एग्रीड एंड होप्ड इट वुड वर्क। एवरीवन यानी हर कोई एग्रीड सहमत हो जाता है, एंड और होप्ड उम्मीद करता है, इट वुड वर्क की यह काम करेगा। दीप गोट अ बिग गोल्डन काइट एंड अटैच्ड स्पार्कलिंग पेपर्स टू द थ्रेड। दीप गोट यानी लेता है, अ बिग एक बड़ी सी गोल्डन सुनहरी काइट पतंग। दीप एक बड़ी सी सुनहरी पतंग लेता है, एंड और अटैच यानी लगाता है, स्पार्कलिंग पेपर्स यानी चमकीले पेपर्स टू द थ्रेड यानी धागे पर, और धागे पर चमकीले पेपर्स लगा देता है। दीप टुक द काइट एंड रन टू द रूफ। दीप टुक यानी लेता है द काइट पतंग को, एंड और रन भाग जाता है टू द रूफ छत पर। दीप जो है पतंग को लेता है और छत पर भाग जाता है। ही फ्लू द काइट हायर एंड हायर। ही यानी वह फ्लू यानी उड़ाता है द काइट पतंग को, हायर एंड हायर यानी बहुत ही ऊंचा वह पतंग को उड़ाता है। टोटो वॉज क्राइंग। टोटो जो है वॉज यानी था, क्राइंग यानी रो रहा था, टोटो जो है वो रो रहा था। एज ही कुडंट फाइंड हिज वे बैक। एज क्योंकि ही यानी वह कुडंट फाइंड यानी वह नहीं ढूंढ पा रहा था हिज अपना वे बैक यानी वापस जाने का रास्ता, इसलिए वह रो रहा था। ही वॉज हाइडिंग अंडर अ बेंच। ही यानी वह वॉज यानी था, हाइडिंग यानी छुपा हुआ था, अंडर यानी नीचे, बेंच एक कुर्सी के, वह एक कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था। सडनली अचानक से ही नोटिस्ड अ बिग गोल्डन काइट फ्लाइंग इन द स्काई। ही नोटिस्ड यानी वह नोटिस करता है, ए बिग गोल्डन काइट यानी एक सुनहरी बड़ी पतंग फ्लाइंग यानी उड़ रही है इन द स्काई आसमान में। ही वॉज थ्रिल्ड। ही यानी वह वॉज यानी था, थ्रिल्ड होता है उत्तेजित, वह उत्तेजित था। टोटो न्यू दैट दीप फ्लू गोल्डन काइट्स। टोटो न्यू, टोटो जानता था दैट कि दीप फ्लू यानी दीप उड़ाता है, गोल्डन यानी सुनहरी काइट्स यानी पतंगे, वह जानता था कि दीप जो है वो सुनहरी पतंगे उड़ाता है। टोटो फॉलोड द थ्रेड इन द स्काई एंड आफ्टर क्रॉसिंग अ फ्यू स्ट्रीट्स ही रीच्ड टू अ फैमिलियर नेबरहुड। टोटो फॉलोड, फॉलोड द पीछा करता है द थ्रेड उस धागे का इन द स्काई जो आसमान में उड़ रहा था। टोटो उस धागे का पीछा करता है, एंड और आफ्टर क्रॉसिंग यानी पार करने के बाद अ फ्यू स्ट्रीट्स कुछ गलियाँ, ही रीच्ड वह पहुँच जाता है टू अ फैमिलियर एक जाने पहचाने नेबरहुड यानी पड़ोस में, वह एक जाने पहचाने पड़ोस में पहुँच जाता है। टोटो वॉज हैप्पी एंड फाउंड हिज वे होम। टोटो वॉज यानी था हैप्पी यानी खुश, टोटो जो है वो खुश था, एंड और फाउंड यानी उसने ढूंढ लिया था, हिज वे होम यानी घर जाने का अपना रास्ता उसने ढूंढ लिया था। ही बार्क्ड हैप्पीली व्हेन ही रीच्ड एट द गेट। ही बार्क्ड यानी वह भौंकता है हैप्पीली यानी खुशी के साथ, व्हेन जब ही रीच्ड वह पहुंच जाता है एट द गेट दरवाजे पर, जब वह दरवाजे पर पहुंच जाता है तो वह खुशी से भौंकता है। दीप हग्ड हिम। दीप जो है उसे गले से लगाता है। दीप नेवर लेफ्ट हिज फेवरेट पेट डॉग अलोन। दीप नेवर यानी कभी नहीं लेफ्ट छोड़ता है हिज फेवरेट पेट अपने पसंदीदा पालतू को यानी डोगे को अलोन अकेला अगेन यानी दोबारा। दीप जो है उसके बाद दोबारा कभी भी अपने डोगे को अकेला नहीं छोड़ता है, एंड और
टुक हिम टू द पार्क ऑलवेज, टुक हिम उसे लेकर जाता है टू द पार्क यानी पार्क में, ऑलवेज हमेशा, और उसके बाद उसे हमेशा पार्क में लेकर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।